एक्सपेरिमेंट्स ये है हमारा दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस पे, आप देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया बना है, सोलर पैनल्स लगे हैं काफ़ी जगह। और देखिए मैं गाड़ी पे चल रहा हूँ बढ़िया, डेस्टिनेशन अपना डाल रखा है हरिद्वार, तो ये आप देख सकते हैं अभी सब लोग सो रहे हैं। हम लोग दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर चल रहे हैं, एक्चुअली नींद मुझे भी थोड़ी आ रही है, बट अगर ज़्यादा लगेगा तो रोक लोगे, अभी मैनेजेबल है तो चलते हैं जितना कवर हो जाता है। तो फ्रेंड्स ये हमारा दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे का टोल आ गया और 155 रुपीज़ का टोल है जो दिख रहे हैं। अब यहाँ से मेरठ बाईपास 1.5 किलोमीटर है, आगे से हमको राइट लेना, तो ऑलमोस्ट हम मेरठ पहुँच गए हैं 5:45 बजे। सिटी में नहीं जाएंगे, बाईपास से चलेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्सप्रेस वे ख़त्म हो गया और हमें स्ट्रेट जाके आगे वही पुरानी अली रोड मेरठ बाईपास मुजफ्फरनगर होते हुए जाना है। तो इधर से अगर आप लेफ्ट ले लेंगे तो मोदी नगर के लिए जा सकते हैं, ये जो रास्ता जा रहा है, और हम स्ट्रेट चलेंगे आगे से घूम के मेरठ के लिए। तो ये देखिए एक्सीडेंट हो गया, बहुत केयरफुली चलाइए यहाँ पे क्योंकि इस तरीके से रास्ता बना हुआ है और एम्बुलेंस देखिए आ चुकी है टाइम, और ये गाड़ी से हुआ देख सकते हैं आप, शायद वैगन आ रही है वाली। और ये देखिए यहाँ से इस तरह का एग्जिट है, यहाँ से मैप में राउंड पार्क एक बना हुआ है, वहाँ से मेरठ बाईपास निकल जाएगा। मेरठ सिटी के लिए आगे एक एग्जिट है, मैं दिखाता हूँ। तो हमें स्ट्रेट चलना है यहाँ से हरिद्वार के लिए मुजफ्फरनगर होके, और अगर आप राइट लेते हैं तो मेरठ सिटी के लिए जा सकते हैं यहाँ से। तो आप देख सकते हैं ये गाजियाबाद मेरठ वाली जो बस खड़ी है अंदर टिकट, ये मेरठ का रास्ता है मेरठ सिटी के लिए, यहाँ से आप जा सकते हैं। हम लोग यहाँ से बाईपास चलेंगे, यहाँ पे थोड़ा चाय स्नैक्स के लिए है, अभी हम भी कुछ लेंगे आगे चल के। हम लोग यहाँ पे रुके हैं, मेरठ बाईपास है, ये देखिए गाड़ी जैम से गंदी है, तो यहाँ पे हम लोग रुके हैं जैन सिकंजी, आप देख सकते हैं ये मेन हमारा जो मेन हाईवे है उसी पे है, ये जो हमारा मेरठ मुजफ्फरनगर रोड है मेरठ बाईपास का। सिटिंग एरिया है और यहाँ के सिकंजी फेमस है, तो आप देख सकते हैं यहाँ सिकंजी मसाला भी मिलता है, मैं आपको बता दे रही हूँ। और यहाँ पे पकौड़े बहुत सारे टाइप के मिल रहे हैं, बहुत टाइप के पकौड़े मिल रहे हैं, ये देखिए सब पकौड़े ही हैं, आप देख सकते हैं इतनी चीज़ें आपको मिलेंगी यहाँ पे। ये है कैश काउंटर, ये शिकंजी, यम्मी और टेस्टी है शिकंजी। ये अचार, ये आलू का पराठा, और ये अमूल का मक्खन, और ये आनंद दही, अभी हम लोग खाएंगे, स्वाद आएगा तो बताएंगे आपको पराठा खा के। आपको कैसा लगा? बढ़िया पराठा, बढ़िया था पराठे, सबसे अच्छा दही था, दही
और ये अमूल मक्खन के साथ मक्खन भी खाया। यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा पराठे खा लिए थे, भूख लग रही थी थोड़ा, और अभी चलते हैं गाड़ी पे और फिर आगे चलेंगे हर एक बार नॉन स्टॉप अब होपफुली। और ये हमारी रोड है पीछे वाली मेरठ हरिद्वार, एक्चुअली बहुत फटीग हो गया है, कल रात से हम लोग लगातार गाड़ी चला रहे हैं, थोड़ी देर 2 घंटे बस आराम किया था झांसी में, उसके बाद फिर कंटिन्यूस गाड़ी चल रहे हैं। तो ब्लॉग अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं, कॉमेंट्स हैं या कोई सजेशन है तो आप प्लीज़ कॉमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसको ज़रूर फॉलो करता हूँ। चलिए चलते हैं। तो रोडवेज़ की काफ़ी बसेस आपको मिल जाएंगी मेरठ से हरिद्वार के बीच में, यूपी रोडवेज और उत्तराखंड रोडवेज की। तो पब्लिक कन्वेंस काफ़ी अच्छा है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे आपको इस तरीके के रेस्टोरेंट मिल जाएंगे, जैसे दिल्ली चंडीगढ़ रोड पे है तो CCD मिल जाएगा आपको, MACD है, और बहुत सारे मतलब इस तरीके के कैफेज भी मिल जाएंगे। तो मतलब यहाँ पर रेस्टोरेंट की कोई दिक्कत नहीं है दिल्ली मेरठ वाले पे। और मेरठ बाईपास आप जैसे ही क्रॉस करेंगे उसके बाद आपको लाइन से ये ढाबे और रेस्टोरेंट बढ़िया वाले मिल जाएंगे, और होटल्स भी है यहाँ, स्टे कर सकते हैं आप हाईवे पे भी। तो अभी हमारा कॉमन रोड चल रहा है देहरादून और हरिद्वार ऋषिकेश का भी, आगे से देखते हैं बताते हैं। तो मेरठ बाईपास हम लोगों ने क्रॉस कर लिया, आप देख सकते हैं ये मेरठ बाईपास से हम लोग कम्प्लीट हो गया, जो मेन हमारी मेरठ से जो मुजफ्फरनगर वाली जो रोड है उधर अभी हम चल रहे हैं, तो यहाँ से हमको स्ट्रेट ही चलना है। और ये यहाँ बीकानेर वाला भी है यहाँ पे बाईपास पे, और इधर आप मेरठ सिटी के लिए जा सकते हैं राइट में, और ये देखिए सामने आई लव मेरठ भी लिखा हुआ है, जैसे आजकल हर जगह लिखा रहता है, ये देखिए। तो अब चलते हैं मुजफ्फरनगर की तरफ, आगे दिखाते हैं। तो हम लोग पहुंच गए हैं मेरठ के बाद जो फर्स्ट टोल प्लाजा है, आप देख सकते हैं वेस्टर्न यूपी टोल प्लाजा, ये मेरठ और मुजफ्फरनगर के बीच में है, और लाइन आप देख सकते हैं भीड़ कितनी ज़्यादा है। तो अभी हम लोग इस लेन में रुके हैं, एक्चुअली ऑफिस टाइम है तो इसलिए भीड़ काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पर। तो ये हमारा 95 रुपीज़ का टोल है, अब आगे देखते हैं इसका बाद कोई टोल पड़ता है कि नहीं। रोड की कंडीशन बहुत अच्छी है, और ये मेरठ से नहीं दिल्ली से ही मैं बता रहा हूँ, बहुत अच्छी कंडीशन है। तो सरदाना और मवाना के लिए आप यहाँ से एग्जिट ले सकते हैं, ये जो सर्विस लेन जा रही है इधर से, तो हम लोग ऊपर से निकल जाएंगे सीधे मुजफ्फरनगर। और आगे से अगर आप राइट लेंगे तो सिटी के खतौली के लिए भी इधर ही जा सकते हैं राइट, खतौली के लिए एग्जिट है यहाँ से इधर, और हम लोग स्ट्रेट चल रहे हैं अभी मुजफ्फरनगर की तरफ। अभी आपको अच्छे वाले रेस्टोरेंट्स मिलते रहेंगे पूरे रास्ते में, हरिद्वार यहाँ से अभी 110 किलोमीटर बाकी है। ये ऋषिकेश जा रही भैया, हाँ सामने हमारी है उत्तराखंड परिवहन की बस दिल्ली ऋषिकेश, उसके बाद एक और उत्तराखंड परिवहन की बस, काफ़ी अच्छी बस। अभी हम लोग खतौली बाईपास पे चल रहे हैं, यहाँ से 23 किलोमीटर के अराउंड है मुजफ्फरनगर, जो कि हमारा यूपी का लास्ट सिटी है, इसके बाद उत्तराखंड स्टार्ट हो जाएगा, और ये दिल्ली देहरादून की बस रोडवेज उत्तराखंड वाली। कर लेंगे पूरा खतौली के बाद, एक मैकडी है ड्राइव थ्रू है, तो बहुत अच्छी बात है कि ड्राइव थ्रू है, तो आप मतलब ऑर्डर पहले करके फिर उठा सकते हैं तुरंत ही, और
बीकानेर वाला सब कुछ आपको इस रूट पे मिल जाएगा। स्टारबक्स भी है, तो कोई भी मतलब आई थिंक ऐसा कोई फूड चेन नहीं है या कैफे चेन नहीं है जो यहाँ पे ना मिले आपको। और ये रोडवेज की बस जा रही है अंडरटेकिंग UPRTC। ये देखिए बस की हालत फुल है पूरी। तो ये हम लोग मुजफ्फरनगर आप देख सकते हैं, सिटी के लिए लेफ्ट में जा सकते हैं हम लोग, ये बाईपास चलेंगे मुजफ्फरनगर। तो ये मुजफ्फरनगर आप ये देखिए मैप में मुजफ्फरनगर बाईपास, थोड़ा सा ट्रैफिक आगे जाम लगा हुआ। और यहाँ भी बाईपास पे आपको काफी सारे रेस्टोरेंट मिल जाएंगे। तो हम लोग अभी बाईपास चल रहे हैं मुजफ्फरनगर के, और आप बस देख सकते हैं हरियाणा रोडवेज की। तो ये गंगा दर्शन करके है बस, और रेवाड़ी दिल्ली, हरिद्वार दिल्ली फिर रेवाड़ी। तो ये एक्चुअली हरियाणा और राजस्थान रोडवेज की तरफ से ऐसे बसेस चलाई जाती हैं जो पर्टिकुलर जैसे गंगा दर्शन है या और हरिद्वार के लिए ऐसी काफ़ी गाड़ियाँ चलाई जाती हैं। तो आप हरियाणा रोडवेज देख सकते हैं, स्पीड देख कर भी लग ही रहा होगा। सहारनपुर के लिए इधर से रास्ता है, तो स्ट्रेट हम लोग चल रहे हैं हरिद्वार रुड़की की तरफ। मुजफ्फरनगर क्रॉस कर लिया है, अब आगे यूपी एंड उत्तराखंड बॉर्डर आएगा। यहाँ से हमारी दूसरी टोल रोड स्टार्ट हो गई, तो आज हम लोग करीबन 10-15 टोल दे चुके हैं ऑलरेडी, बल्कि ज़्यादा ही दे चुके होंगे। और यहाँ नेशनल NHAI का एक और देखिए एक और स्टार्ट हो गया, तो NH 334। तो ये हमारा रुड़की हरिद्वार एंड देहरादून की रोड है। सामने बस भी आप देख सकते हैं वॉल्वो, तो 309 किलोमीटर। तो ये फ्रेंड्स हमारा मुजफ्फरनगर और रुड़की के बीच में टोल प्लाजा है, देखते हैं कितना टाइम लगेगा। यहाँ भी काफी भीड़ लगी हुई है और बहुत जल्दी में यहाँ पे सब लोग। खतौली डिपो की बस खड़ी है सामने, यूपी रोडवेज। यहाँ पे जो भी टोल होगा मैं आपको लिख के बता दूंगा। वो आगे हमारे लौंडे थे जो वो उनका पता नहीं क्या दिक्कत थी, तो उन्होंने साइड में लगा ली। तो अब चलते हैं, ये हमारी खतौली डिपो की बस भी जा रही है हरिद्वार, और ये वॉल्वो तो बहुत ही सुपर फास्ट तरीके से जा रही है। बाइक से थोड़ा सा संभल के चले, क्योंकि मतलब बाइक से संभल के नहीं, मतलब बाइक को संभाल के चले, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब रैश ड्राइविंग कर रहे हैं लोग बाइक पे और कार पे भी। तो ये इस चीज़ के लिए थोड़ा सा ध्यान दे के चले इस रोड पे। केदारनाथ 312, यमुनोत्री 338, गंगोत्री 352, और बद्रीनाथ अब पढ़ नहीं पाए, तो आप देख सकते हैं उसी में। तो अभी यहाँ पे फ्रेंड्स देवबंद का एग्जिट आ गया है, देवबंद आपने सुना होगा टीवी में ज़रूर, और सीधे हम लोग चलेंगे रुड़की। तो ये देखिए वेलकम टू हरिद्वार कुंभ सिटी। तो अब यहाँ से वेलकम बोर्ड आ चुका है, बट आई थिंक बॉर्डर देखिए उत्तराखंड का चेक पोस्ट भी आ चुका है। तो अभी हम उत्तराखंड एंटर कर चुके हैं ऑफिशियली, और ये यूपी उत्तराखंड बॉर्डर है। तो अब यहाँ से हमारा उत्तराखंड स्टार्ट हो गया है,
सामने बोर्ड भी लगा है, देवभूमि उत्तराखंड में आपका स्वागत है। ये देख सकते हैं यहाँ पे हर की पौड़ी, नीलकंठ मंदिर, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री की फोटोज बने हुए हैं। तो उत्तराखंड हम एंटर कर चुके हैं और 8:20 हो रहा है। तो फ्रेंड्स हम लोग, जैसे कि मैं आपको बता दे रहा हूँ, अपडेट दे दे रहा हूँ, बॉर्डर पे हमारी कोई भी चेकिंग नहीं हुई और बॉर्डर पे बैरिकेडिंग थी, बट गाड़ी को रोका नहीं गया, ना कोई कोविड का पूछा गया कोई, और गाड़ी को एक्चुअली रोका ही नहीं गया। तो आप आ सकते हैं, अभी तो रोका नहीं गया। तो यहाँ से फ्रेंड्स रुड़की के लिए थोड़ा जा सकते हैं, स्ट्रेट हम लोग चल रहे हैं फ्लाईओवर से, तो आगे से फ्लाईओवर राइट हो जाएगा पूरा हरिद्वार की तरफ। तो रुड़की हम लोग क्रॉस कर चुके हैं, अब हरिद्वार की तरफ चल रहे हैं। और इसी रोड पे पतंजलि भी पड़ता है, तो अगर अभी नाइट में मुझे दिखता है तो मैं दिखाऊंगा। और यहाँ पे रोड्स आप देख सकते हैं, मीएंडरिंग रोड्स हैं, जैसे हिल्स पे होती हैं, रोड फोर लेन है बट मतलब तिरछी तिरछी करके है, ऐसे मीएंडरिंग है। तो ये देखिए हरिद्वार से पहले एक और यहाँ पे सारे हैं, बीकानेर वाला, KFC, पिज़्ज़ा हट और भी बहुत सारे हैं, क्रिस्टल वर्ल्ड। और यहाँ से अब हरिद्वार 20 किलोमीटर है, रोड की हम लोग क्रॉस कर चुके हैं। पतंजलि योग पीक यहाँ से 0.5 है और स्लाइट लेफ्ट होना है इसके लिए, पतंजलि के लिए। तो रुड़की रोड पे पड़ता है पतंजलि, मैं आपको रास्ता दिखा देता हूँ। टोयोटा का जो शोरूम है वहाँ से, उसके सामने से आपको लेफ्ट जाना है। तो ये रास्ता आप देख सकते हैं, लेफ्ट वाला सर्विस लेन से लेफ्ट जाएंगे पतंजलि योगपीठ के लिए, और स्ट्रेट हम लोग हरिद्वार चल रहे हैं। और मेरे ये देखिए राइट साइड में पतंजलि वेलनेस योगा नेचुरोपैथिक केंद्र, ये पूरा पतंजलि का ही है राइट साइड में। और वो पतंजलि ऊपर आप देख सकते हैं बोर्ड, रिसर्च इंस्टीट्यूट ये। तो ये राइट साइड में पूरा पतंजलि है, यू टर्न लेके आपको नीचे से आना पड़ेगा। देखिए यहाँ से इस फ्लाईओवर के नीचे से आपको यू टर्न लेके आना है पतंजलि के लिए, क्योंकि इधर जो भी आपको दिख रहा है बोर्ड। और यहाँ पे लेफ्ट साइड में भी आप देख सकते हैं, इधर पूरा पतंजलि का कैंपस है। ये देखिए पतंजलि योगपीठ, ये यूनिवर्सिटी ऑफ पतंजलि, काफी बड़ा कैंपस है आप देख सकते हैं, दोनों साइड है रोड के। चलते हैं हरिद्वार सीधे। तो ये हमारा पतंजलि क्रॉस ऐसे करके, उसके बाद एक टोल प्लाजा आ गया। तो अगर आप हरिद्वार की तरफ से पतंजलि आ रहे हैं तो बीच में एक टोल आपको पड़ेगा। यहाँ पे भी टोल पे थोड़ा सा ट्रैफिक जाम है, और उधर आप देख सकते हैं रोडवेज, यूपी रोडवेज की बस, और सामने उधर उत्तराखंड की बस है, वो काठगोदाम डिपो। तो ये हमारा लास्ट टोल था जर्नी का, अब क्योंकि हरिद्वार तक कोई टोल नहीं पड़ेगा, 20-17 किलोमीटर बचे हैं, तो चलते हैं अब। तो ये देखिए यहाँ पे पूरा एकदम ऐसे पेंट कर दिया गया है, ये गंगा जी की धारा है इधर। तो यहाँ पर धाम आप देख सकते हैं, यहाँ से अभी हम लोग ऊपर जाएंगे फ्लाईओवर पर, नीचे से भी जा सकते हैं। ये भागीरथी होटल है टूरिस्ट। हम लोग हर की पैड़ी की तरफ चल रहे हैं, और ये देखिए मनसा देवी मंदिर के लिए ऊपर, वो पहाड़ पे ऊपर आपको दिख रहा हूँ, तो
लाइट्स वहाँ पर मनसा देवी माता मनसा देवी मंदिर है और हर की पैड़ी के लिए इधर है देखिए ऊपर पहाड़ पर और सीधे देखिए बद्रीनाथ 382 किलोमीटर ये हर की पैड़ी वाला घाट है। तो 9 बजे हम लोग हरिद्वार पहुँच गए। मैंने 9 बजे हम लोग चले थे झांसी से 9 बजे हरिद्वार पहुँच गए और अभी मैं आपको हर की पैड़ी का घाट दिखाता हूँ। ये हर की पैड़ी का घाट है आप देख सकते हैं काफी बढ़िया लग रहा है। ये देखिए ये हर की पैड़ी का घाट है। ये देखिए शंकर जी की मूर्ति और ये गंगा जी एक और नहीं शंकर जी बैठे रहते वो उधर है। तो यहाँ से पार्किंग के लिए आप जा सकते हो। हम लोग स्ट्रेट चल रहे हैं दूधाधारी चौक की तरफ होटल देख। तो फ्रेंड्स हमने हरिद्वार पहुंच के वहां पे होटल लिया फिर अभी हम लोग आ गए हैं खाने के लिए। तो ये भीम घोड़ा करके जगह है वहां पे हम लोग आए हैं गंगा जी के दर्शन करके और इधर हर की पैड़ी है ये भीम घोड़ा है और इधर की तरफ दूधाधारी चौक है ये जैन रेस्टोरेंट है। यहाँ पे आप प्योर वेज बहुत बढ़िया खाना था और खाना आपको नॉर्मल थोड़ा घर टाइप का ही था तो काफ़ी सही था। और यहाँ से खाना खा के अब हम लोग चलते हैं अपने होटल की तरफ और कल निकलेंगे केदारनाथ यात्रा के लिए। तो अब हम लोग वापस जा रहे हैं ई रिक्शा लेके आए थे गाड़ी को वहीं पे पार्क कर दिया होटल पे। आज की वीडियो यहीं तक है फ्रेंड्स। हर हर महादेव और कल हम केदारनाथ यात्रा शुरू करेंगे हरिद्वार से।